अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है और वेबर्स लॉ क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को डिस्कस करने से पहले कि स्टिमुलस कब डिटेक्ट किया जा सकता है। अपने पिछली वीडियो में मैंने स्टिमुलस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। स्टिमुलस एक ऐसी पासिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। स्टिमुलस इज़ एनीथिंग दैट कैन ट्रिगर अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के कंसेप्ट से मिलता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज़ द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इट टू बी डिटेक्टेड। मतलब स्टिमुलस की थोड़ी सी भी इंटेंसिटी जो है अगर उसको डिटेक्ट कर लिया जाए उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे जैसे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है इसी तरह उसका डिटेक्शन रेट भी बढ़ता जाता है, मतलब उसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है किसी भी स्टिमुलस को। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या हुआ है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द स्टिमुलस इंटेंसिटी दैट इज डिटेक्टेड 50% ऑफ द टाइम। एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी को 50% ऑफ टाइम में डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स करने के लिए थोड़े से स्टिमुलस की भी ज़रूरत होती है। इट ऑफन टेक्स अ वेरी स्मॉल स्टिमुलस टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन आवर सेंसेस। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल यह है कि सेंस ऑफ टच इज सो सेंसिटिव दैट वी कैन फील अ बीज विंग फॉलिंग ऑन आवर चीक्स वैन इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब वो कह रहे हैं कि टच सेंस ऑर्गन इतने सेंसिटिव हैं कि हम दूर से ही 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ही शहद की मक्खी के जो पर हैं वो हमारे गालों तक आते हुए फील कर सकते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और मैयर अंडर आइडल कंडीशन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को एक आइडल कंडीशन में ही मैयर किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा श्योर हो रहा हो तो हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो छोटे से भी स्टिमुलस को डिटेक्ट नहीं कर पाते। नॉइज एज डिफाइंड बाय साइकोफिजिक्स इज बैकग्राउंड स्टिमुलेशन डैट इंटरफेयर विद द परसेप्शन ऑफ अदर स्टिमुलाई। नॉइज एक ऐसी स्टिमुलेशन है जो कि इंटरफेयर करता है दूसरे स्टिमुलस की परसेप्शन में। तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर इट टू बी डिटेक्टेड। अब हम देखते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है? द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एडिड और रिड्यूस स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू सेंस डैट अ चेंज इन स्टिमुलेशन हैज अकर्ड। मतलब जो स्टिमुलस हमने डिटेक्ट किया था, जो स्टिमुलस के जरिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स आया था, अगर उसमें कोई थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। डिफरेंस किस में आएगा? पहले वाले स्टिमुलस से दूसरे वाले स्टिमुलस में। मतलब इन दोनों स्टिमुलस के दरमियान अगर हम फ़र्क वाजे कर सकें तो उसको डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज़ द मिनिमम चेंज इन स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड टू डिटेक्टेड द डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई एंड सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है? डिफरेंस थ्रेशोल्ड ये है कि जब दो स्टिमुलस में कोई भी चेंज नज़र आ जाए, इनमें डिफरेंस नज़र आ जाए, तो हम उसको डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस थ्रेशोल्ड को मेजर करने के लिए एक कप में 1 चम्मच चीनी और दूसरे कप में 2 चम्मच चीनी डालें, और अगर पार्टिसिपेंट्स को कहा जाए कि दोनों कप में किस में से ज़्यादा मीठा है, अगर पार्टिसिपेंट डिटेक्ट कर पाए कि दोनों कप में किस में ज़्यादा मीठा है तो दोनों में डिफरेंस अगर फाइंड कर पाए तो उसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। मिनिमम चेंज से हम दोनों स्टिमुलस में डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किस में मीठा ज़्यादा था या किस में मीठा कम था, इसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहते हैं। उसके बाद है वेबर्स लॉ। वेबर्स लॉ क्या है? द साइज ऑफ स्टिमुलस डज कंस्टिट्यूट अ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस डिपेंड ऑन द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पर। द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द ओरिजिनल साइज ऑफ स्टिमुलस एंड द डिग्री टू विच अ चेंज विल बी नोटिस्ड फ्रॉम वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ साइकोफिजिक्स कॉल्ड वेबर्स लॉ। अगर स्टिमुलस का साइज़ को इंक्रीज कर दिया जाए पहले वाले ओरिजिनल स्टिमुलस से तो पार्टिसिपेंट जो है वो दोनों स्टिमुलस में डिफरेंशिएट फाइंड कर सकता है, इसको वेबर्स लॉ कहते हैं। ये था आज का टॉपिक, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या डिफरेंस होता है और वेबर्स लॉ क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।